नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल ट्यूनर में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे IFB के सोलो माइक्रोवेव 20 PM मैक 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है IFB का माइक्रोवेव 20 PM मैक 2। 20 लीटर इसकी कैपेसिटी है। इसकी कैविटी आप देख सकते हो कैसी इसकी कैविटी है। इसकी कैविटी स्टेनलेस स्टील की नहीं है, इसकी कैविटी सेरेमिक कोटिंग की है। लगभग सभी जो सोलो माइक्रोवेव हैं उसमें सेरेमिक कोटिंग ही दी जाती है। ये इसका डोर है, ट्रांसपेरेंट डोर है। अंदर कुछ आप बनाओगे तो यहाँ से आपको दिखाई देगा। ये इसकी विंडो है, ब्लैक कलर में डोर है, ब्लैक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है। इसके बॉक्स को भी देख लेते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका बॉक्स है 20 PM मैक 2 का, जो सोलो माइक्रोवेव है। ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है IFB सोलो माइक्रोवेव ओवन, और इसमें कुछ हाईलाइट दी हुई है 20 लीटर विद मैनुअल कंट्रोल। इसको आप मैनुअल कंट्रोल भी कर सकते हैं। और 20 लीटर इसकी कैपेसिटी है। 35 मिनट किचन टाइमर है, 35 मिनट का इसका जो किचन टाइमर भी है। इसमें कुकिंग एंड सिग्नल, जो कुकिंग के बाद जो आपको सिग्नल देगा, बजर करेगा, वो भी है इसमें। डिफ्रोस्ट भी कर पाएंगे आप इसमें, सोलो माइक्रोवेव में डिफ्रोस्ट भी कर पाएंगे। और इसके 5 पावर लेवल्स हैं। ये कुछ इस तरह इसका, और इसके बॉक्स पे मेंशन किया हुआ है 255 mm का ग्लास टर्नेबल। जो इसकी ग्लास रैक होती है वो 255 mm की होगी। 230 volt और 50 Hz, और वही फिर से 5 पावर लेवल्स। साइड में कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, जिसमें बॉक्स का जो मॉडल नेम है वो भी लिखा हुआ है। मॉडल नेम तीनों तरफ है। इसका वेट लिखा हुआ, नेट वेट है इसका 10.8 kg, ग्रोस वेट है इसका 11.8 kg। इसकी डायमेंशन है 44 cm, विड्थ 44 cm है, डेप्थ है इसका 35.5 cm, और हाइट है इसका 25.9 cm। कंट्री ऑफ ओरिजिन है थाईलैंड। और ये कुछ नीचे इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इंपोर्ट कहाँ से की है, फैक्ट्री कहाँ पे है, और कंज्यूमर कंप्लेंट आप कहाँ पर दे पाओगे, ईमेल एड्रेस सब दिया हुआ है इसमें। इसकी MRP है 7190। आप जहाँ से लोगे वहाँ से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। इसके साइड में भी, फ्रंट और बैक में सब ऐसा ही है, सेम है। तो ये कुछ इसके बॉक्स पे आपको जानकारी देखने को मिल सकती है। तो ये है माइक्रोवेव, वाइट कलर में है ये। और इसका डोर, जो विंडो डोर है, वो ब्लैक कलर में है, ट्रांसपेरेंट है। इसका बैक में देख लेते हैं, तो बैक में भी वही कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, वार्निंग्स दी हुई हैं, कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, वही मॉडल नेम वही सब इसमें बैक में भी दिया हुआ है। ये इसकी वायर है। तो लुक की बात करें तो लुक तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम है। घर पर पड़ा हुआ काफ़ी अच्छा लगेगा ये, और इसको यूज़ करना भी काफ़ी इजी है। जैसे बॉक्स पे भी मेंशन किया हुआ था 5 पावर लेवल्स हैं इसके। तो ये हैं इसके पावर लेवल्स, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे हम इसके जोक से इसको सेट कर पाएंगे, जैसे ये लो में है, मीडियम लो, मीडियम, मीडियम हाई और हाई। और इसके नीचे है टाइमर, हम अपना 35 मिनट तक का टाइमर इसमें सेट कर पाएंगे, जो सोलो माइक्रोवेव के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसमें डिफ्रोस्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो पावर को लाएंगे हम मीडियम लो में, और डिफ्रोस्ट हम करेंगे अपने कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे ये 0.2 है, 0.4 है, 0.6, 0.8 और ये 1.0, ये 1 kg है। ये ग्राम्स के हिसाब में है, और ये इसके आगे kg के हिसाब से है, आपको दिख रहा होगा। इसका गिलास का भी बॉक्स में मेंशन था, 255 mm का गिलास है ये आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, अंदर से भी काफ़ी अच्छा है, लुक भी काफ़ी ठीक है इसकी, विद सेरेमिक कोटिंग के साथ है। इसको हम पुल करेंगे तो ये खुल जाएगा, और पुश करेंगे तो बंद हो जाएगा। और जो कुकिंग एंड सिग्नल है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ कैसा होता है। वो आप देख सकते हैं, जब टाइमर ख़त्म होगा तो ऐसी आवाज़ आएगी आपको, आपको सुन रहा होगा। एक बार मैं फिर से सुनाता हूँ आपको, जब कुकिंग एंड होगी हमारी तो ऐसे की आवाज़ आएगी। तो ये सोलो माइक्रोवेव है, MRP है इसकी 7190, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। जहाँ से आप लोगे वहाँ से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलेगा।
तो शायद जो आपको जो इस माइक्रोवेव के बारे में जानकारी चाहिए थी वो सब मैं इसमें कवर कर चुका हूँ, इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा या हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।